आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज रक्षाबंधन है और हम सब तो तैयार हो चुके हैं और बट हमारी अभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं हुआ है। मम्मी लोग मामा लोग सब तैयार हो गए हैं। पीछे मेरे पापा बैठे हैं, मेरे दोनों भाई बैठे हैं, एक मौसी का लड़का है और ये मेरा भाई है। और मम्मी लोग अभी तैयार हो रही है और मौसी लोग तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरे मामा बैठे हुए हैं और फ़ोन में कुछ चला रहे हैं, बाकी वहाँ पापा बैठे हुए हैं और ये दोनों मेरे भाई हैं। तो अभी मम्मी लोग सब तैयार हो रही हैं, सब तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना रक्षाबंधन मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने मिठाइयाँ वगैरह बना के लेके आई हैं घर से, कल ही आई हैं मम्मी पापा, और थाली वाली सजा दी मम्मी ने, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मम्मी ने यहाँ पर थाल सजा के रखी है, रुमाल है, राखी है और ये छोटे भाइयों के लिए रुमाल है। बाकी मिठाइयाँ और अभी आने वाली हैं, अभी तो इतनी ही आई हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी मौसी हैं तो सबकी राखी रखी हुई है इसमें इकट्ठी पूरी। मामा तो बैठे बैठे यहाँ पे खा रहे हैं मिठाई। फ्रेंड्स तो थोड़ा वहाँ से बाहर आ गई, वहाँ पीछे थी यहाँ आस वाले रूम में हॉल है वो वहाँ पे वैसे। तो अभी मौसी मेरी 8 मौसियाँ हैं यहाँ पे। बहुत हल्ला हो रहा है पूरे घर में, मेरे को लग रहा है बाहर से आवाज़ आ रही है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं। धीरे ये खड़े हुए हैं, कुछ देखते रहते दीदी करती क्या रहती है, पीछे खड़े हुए थे देखते रहते दीदी करती क्या है। और अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मम्मी मौसी लोग को तैयार होने में, क्योंकि बहुत सारी मौसियाँ हैं ना, तो इस कारण से। और अपने बच्चों को भी तैयार कर रही हैं, खुद भी तैयार हो रही हैं, तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा। तो सारी मौसियों के 2-3 दिन बच्चे हैं और मेरे को आज राखी बांधना है। 10 भाई हो गए मेरे यहाँ पे मिलाकर, और इस बार मैं अपने भैया लोग को नहीं बांध पाऊँगी राखी, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और गुरु भैया देवू तो वो भी अपने नाना जी के यहाँ चले गए हैं और हम पहले ही आ गए थे नानी के यहाँ, और बुआ के यहाँ भी इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। तो मैंने पहले ही राखी सबको भिजवा दी है, तो वहाँ पर दीदी हैं तो दीदी भी हमारी तरफ से बांध देंगी। मैं तो अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि इनको बहुत टाइम लग रहा है। वैसे मैंने आज ब्लैक पहना हुआ है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ब्लैक ही पहनूंगी रक्षाबंधन में। ये देख लो मामा क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मिठाई। मामा रुक जाओ, जल्दी नहीं है इतनी, अभी मौसी खिला देंगी। खा भी लिए यहाँ पे मिठाई थे। पहले ही टेस्ट हो गया मम्मी लोग के लाने के पहले। उसको भी देख लो उसमें क्या है, देख लो, देखो देखो जल्दी। इसमें क्या है, इसमें मेरे को लग काजू कतली है क्या, मैं खा के देख लो, देखो खा के बताओ क्या है। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। लेके तो आप ही आए हो, कौन लेके आया। तो गाइस यहाँ पे सब तैयार हो गए और आ गए थे, तो मैं पापा को सबसे पहले यहाँ पे राखी अपनी बांध रही हूँ, क्योंकि बुआ लोग तो बांध नहीं पाई हैं इसलिए मैं ही बांध रही हूँ बुआ लोग की राखी पापा को। तो आप देख सकते हैं मैं पापा को पहले राखी बांध रही हूँ, उसके बाद मेरे सारे भाई एक लाइन से बैठेंगे तो मैं बांधूँगी उनको एक तरफ से राखी। तो 2 राखी हैं पापा को बांधने के लिए, क्योंकि मेरी 2 बुआ हैं, बड़ी बुआ छोटी बुआ, तो सबसे पहले मैं उनकी राखी पापा को बांध रही हूँ। ओ भैया मेरे भैया, जैसा ना कोई अपना, संग मेरे यू ही रहना तू। ओ भैया मेरे भैया, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। छोटा है तू कभी।
फ्रेंड्स, मैं अभी आई हुई हूँ अपनी छोटी मामी के बेबी को राखी बांधने। उनको अभी 6 दिन पहले ही बच्चा हुआ है, तो बेचारे क्यूटू को सो रहा है अभी, तो इसको राखी बांधने आई हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट राखी मेरी बन रही है इसको, इतने छोटे छोटे से हाथ है उसके, सो रहा है अभी तो वो। तुझे तंग करना, सताना, बहना कहे प्यार जताना, चाहे कुछ भी हो जाए, बहना का साथ निभाना। ओ भैया मेरे भैया, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। मैं वहाँ से आ चुकी हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और जो मैंने अभी आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सुना होगा, बैक म्यूजिक के लिए आवाज़ भी आ रही थी पूरी, तो मैं अभी नानी के घर अंदर आ गई हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, अभी भी हो रहा है क्योंकि रोड चलती है तो बाहर निकल रहा है, इस कारण से बहुत शोर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, जो हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया, कैसा लगा? मेरी फैमिली कैसी लगी? नानी के यहाँ की, मेरे मामा मामा के बच्चे और इतनी मौसियाँ थी, ये सब कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, कल फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, और प्लीज़ कंजूसी मत करना अपनी बहनों को गिफ्ट, और जितने पैसे मांगे उतने देने में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।